किसका नाम ले रहे हैं आप? शिखंडियों का नाम नहीं ली, अनुकंपा पर जीने वालों का नाम नहीं ली, बिना पेंदी का लोटा जो सिर्फ लालू यादव के कृपा पर जीता हो। लालू यादव का वो नाम नहीं लेंगे तो उनकी दुकान नहीं चलेगी। सुशील जी मेरे बड़े भाई हैं, जब कहेंगे तो देंगे। मैं उनका रेस्पेक्ट करता हूँ, आदर करता हूँ। सामने मिलेंगे तो मैं उनका पैर छूऊंगा। एक भी यदि पप्पू यादव का वर्कर मिल गया ना तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है, आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। बिहार में जब जब आपदाएं आती हैं उस वक्त एक नाम बड़ा सुप्रसिद्ध होता है, पप्पू यादव का। चाहे कोसी सीमांचल में बाढ़ आए, पटना डूब जाए, कोरोना महामारी का दौर हो, पिछले साल भी जब बाढ़ आई थी, आपका नाम कॉमन रहता है हमेशा सबसे पहले। इस बार भी आप रेमडेसिविर दवाई बांट रहे हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर्स तक आपने खरीद लिया है। अभी हम जब आए आपके घर पर, आपने कईयों से कहा कि मुझे और दवाइयाँ चाहिए और ऑक्सीजन सिलेंडर्स चाहिए, कितने हद तक मदद कर रहे हैं? मुझे एक बात आश्चर्य है, दिल्ली में 15 आदमी अभी मर चुके हैं, 25 सुबह से अभी, अभी एक जगह ऑक्सीजन के चलते। जिस कंट्री में ऑक्सीजन के चलते गंगाराम हॉस्पिटल में आदमी मर चुका है, तो जब गंगाराम जैसे हॉस्पिटल में ऑक्सीजन के चलते आदमी मर गया तो उस देश में पॉलिटिशियन और इस सिस्टम को रहना चाहिए। कौन दोषी है, देश का सरकार, देश का विपक्ष या देश का न्यायालय? न्यायालय तो अभी कई जगह पर संज्ञान ले रहा है, कह रहा है कि सर्वोच्च प्रदेश में या सर्वोच्च न्यायालय ने तो हाईकोर्ट के संज्ञान को अभी रोक दिया। इतने लोग मरे तब संज्ञान आपने नहीं लिया, लेकिन हाईकोर्ट ने जब ऑक्सीजन के बारे में कही तब आपने संज्ञान लिया। मुझे नहीं पता, जिस सर्वोच्च न्यायालय पर पूरी दुनिया की आस्था टिकी रहती है, सबका ट्रस्ट सर्वोच्च न्यायालय पर हो जाता है, आखिर क्या कारण है? हम कहां जा रहे हैं? जो देश सुई के लिए तरफ जाए, दस लाख से ज्यादा प्रोडक्शन नहीं है, हम 130 करोड़ की जन लोग हैं, 3 लाख क्रॉस कर चुके, प्रोडक्शन नहीं है। सर रोकिए, पूरा का पूरा निजी अस्पताल 2-3-4 को छोड़ के सारा रेमडेसिविर को ब्लैक मार्केटिंग कर रहा है। रोड जीएम रोड से कंपनी वाले उन लोगों को भेजते हैं, अलॉट करते हैं पदाधिकारी, और प्राइवेट वाले उसको बड़े बड़े माफिया को देकर के 30,000-35,000 में बेच रहे हैं। ये कंपनी से ज्यादा प्राइवेट डॉक्टर का हॉस्पिटल रेमडेसिविर को बेच रहा है। क्यों आप ले रहे हैं कुछ में, बेच रहे हैं कुछ में? कौन निगरानी कर रहा है कि वहां सुई पड़ रहा है कि नहीं? वहां सुई नहीं पड़ रहा है। आश्चर्य होगा आपको, आप मदद कर रहे हैं, लोग इसे देख भी रहे हैं, कई जगह पर हमने देखा है आपके नाम की ही चर्चाएं हो रही हैं। लेकिन इन दिनों बिहार के एक नेता है, हालांकि आपने ट्वीट भी किया है, सुशील मोदी कह रहे हैं कि एक राजनीतिक दल है जो व्यापार कर रहा है, लोगों को धमका रहा है। किसका नाम ले रहे हैं आप? शिखंडियों का नाम नहीं लीजिए, अनुकंपा पर जीने वालों का नाम नहीं लीजिए, बिना पेंदी का लोटा जो सिर्फ लालू यादव के कृपा पर जीता हो, लालू यादव का वो नाम नहीं लेंगे तो उनकी दुकान नहीं चलेगी, उनकी बात मत करिए। आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है? सर मैं उनका रेस्पेक्ट करता हूँ, आदर करता हूँ। सामने मिलेंगे तो मैं उनका पैर छूऊंगा, या मैं आपको बता दूँ। लेकिन आरोप लगा रहे हैं तो? सर वो क्या कर रहे हैं, मैं उनको कहूँगा बड़ी विनम्रता के साथ, वो भी ले अब आटे। पप्पू यादव क्या सुशील मोदी को जरूरत पड़ेगी तो देंगे? सुशील जी मेरे बड़े भाई हैं, जब कहेंगे तो देंगे। मैं उनका पैर छूता हूँ और मैं बहुत क्लियर मैं बता दूँ आपको, बहुत ज़्यादा क्लियर, कोई बहस का मुद्दा नहीं है। मैं जितने रेमडेसिविर को नेपाल से मंगाया हूँ, सुशील मोदी जी यदि उतने पैसा को 100 रुपये के नोट से मैं कर दूँ तो मैं सुशील मोदी जी का वजन से ज़्यादा रेमडेसिविर मंगा लिया हूँ। और नेपाल में कहाँ से मंगाया हूँ, धरान से, और कितने लोगों को बेचा दिया हूँ वो कागज है, और उसमें एक भी पप्पू यादव का वर्कर नहीं है। इस बिहार का बिहारी है, उसको जाति से मत तोलिए,
और जाति से तौलिएगा ना तो उसमें राजपूत ब्राह्मण भूमिहार दलित गरीब ज्यादा है और लोग कम। एक भी यदि पप्पू यादव का वर्कर मिल गया ना तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। मेरे पास कागज है, मैं ऑनलाइन करने जा रहा हूँ इस पर। जब आपने इतनी बड़ी बात की है तो क्या लगता है, पिछली बार भी हमने देखा था पटना बाढ़ जब आई थी उस वक्त मैं भी आपके साथ था, पावरोटी दूध से लेकर पानी तक का जो कारवाई, एक एक घर तक ऑक्सीजन और रेमडेसिविर दवाई पहुंचाएंगे। अभी पहुंचाएंगे एक एक घर तक, जहां जरूरत होगी अपने को बेच के पहुंचाएंगे। कोई कर्ज है क्या पप्पू यादव उन लोगों का? सर मेरा बिहार और बिहारी हम एक खून है और बेटे के तरह सेवा करने में कोई हर्ज नहीं है। मेरा खून मेरे आंखों के सामने तड़पते मर जाए, मैं भारत का प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री नहीं हूं। ऐसे पॉलिटिशियन को चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए, आत्महत्या कर लेना चाहिए। जो आज भी मैं तुम कर रहे हैं, पॉलिटिक्स कर रहे हैं, ट्वीट कर रहे हैं, आज ट्वीट का समय नहीं है, एक दूसरे को आलोचना करने का समय नहीं है, लोगों के साथ खड़े होने का समय है। एक मंत्री विधायक स्पीकर का दवाई दुकान है, जीएम रोड में स्पीकर का भी दो दो दवाई दुकान है, अन्य लोगों के भी हैं, क्यों नहीं खड़े होते हैं? मेरा सबसे बड़ा आरोप है लगभग प्राइवेट नर्सिंग होम जिसको अलॉट होता है रेमडेसिविर, वो वहां पर पेशेंट को नहीं देता है, वो बेच देता है और उससे कई चारगुना पचगुना पैसे वसूल रहे हैं। इसलिए सुशील मोदी जी, शीशे के घर में रह के पत्थर मत मारिए, हमाम में सब नंगे हैं, हर डाल पर उल्लू बैठा, अंजामे गुलिस्ता क्या होगा? आपके बारे में पूरी दुनिया को पता है कि आप बिना रीढ़ के आदमी हैं, कनगोजर है, आप किसी की भला नहीं कर सकते हैं। बीजेपी और लालू जी के अनुकंपा पर जीने वाला व्यक्ति पप्पू यादव की तरफ ना देखे। पप्पू यादव हमेशा अपनी जिंदगी को मरने की तैयारी से चलता है और हम एक बार नहीं 1,00,000 बार जो ब्लैकमेलर है, जो ब्लैक करता है, उसके खिलाफ है। आपको जितना औकात है उसके साथ खड़े हो जाइए। वो ब्लैकमेलिंग करेगा तो उसको दवाई कोमलों को देना पड़ेगा। देखिए पप्पू यादव गुस्से में भी थे, ये गुस्सा इसलिए है क्योंकि जब किसी व्यक्ति का कोई भला कर रहा हो उसे मना की जाए तो फिर उसे गुस्सा आएगा। और कह रहे हैं कि सुशील मोदी उनके बड़े भाई के समान है, उनका पैर छुएंगे, अगर रेमडेसिविर दवाई की जरूरत उन्हें है तो घर तक जाकर पहुंचाएंगे। बिहारियों के लिए अगर खून का कतरा कतरा भी बेचना पड़ा तो वो करेंगे। क्या कुछ कहा उन्होंने आपने सुना है? बहरहाल राजनीति अपनी जगह है, आपदा का समय है, बिहार के नेताओं से उम्मीद है फिलहाल मदद करें जैसे पप्पू यादव कर रहे हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।